नमस्कार, हम छी कल्याण। स्वागत अछि फटाफट समाचार में। नव रूप, नव रंग और हमरा संग देखू देश दुनिया में घटल एखन धरक किछ प्रमुख समाचार। तो आओ देखी फटाफट। अन्ना कहला आज जे यदि संसद में वर्तमान सत्र में मजबूत लोकपाल विधेयक पारित नहीं भेल तो वो 27 दिसंबर से प्रस्तावित अपन अनशन के आगे बढ़ेता। अन्ना पक्ष के कोर कमेटी के 2 दिवसीय बैसार बुध दिन शुरू होयत। कमेटी के ही बैसार में मजबूत लोकपाल विधेयक संसद के वर्तमान शीतकालीन सत्र में पारित नहीं भेला के स्थिति में रामलीला मैदान में प्रस्तावित आंदोलन सहित भविष्य के अन्य योजना तय कयल जायत। अन्ना हजारे अही बैसार के अध्यक्षता करता। गांधीवादी कार्यकर्ता कहला जे वो और हुनकर समर्थन देश से भ्रष्टाचार के उखाड़ फेंकबाक आ ग्रामीण भारत के मजबूती लेल काज कर रहल छथि। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा कहलथि जे एक बेर फिर राष्ट्रपति बनवा लेल चुनाव लड़ता। अपन उम्मीदवारी के घोषणा करैत ओ एखन धरि के अपन कार्यकाल के मजबूती के संग बचाव कयलथि। ओ कहला जे ओ एक बेर फिर अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हेबाक हकदार छथि। ओ दावा कयलथि जे हुनकर कार्यकाल के दौरान देश में अर्थव्यवस्था पटरी पर आयल आ राष्ट्र के सुरक्षित सेहो राखल गेल। ओबामा कहला जे वित्तीय सुधार के जरिए ओ ई सुनिश्चित कर रहल छथि जे फिर करदाता के टाका से प्रोत्साहित पैकेज के जरूरत पड़त, जाहि से पूरा व्यवस्था बेसी स्थिर आ सुरक्षित बनत। भारतीय जनता पार्टी कहलक अछि जे कमजोर लोकपाल बनेबा में ओ सरकार के कोनो मदद नहीं करत। अगर सरकार कमजोर लोकपाल आनत तो पार्टी विधेयक पर संशोधन प्रस्ताव आनत। पार्टी नेता SS अहलुवालिया कहलक जे भाजपा अपन दायित्व के निर्वहन करत। एहि लेल पहिने एहि विधेयक के बुध दिन प्रस्तावित सर्वदलीय बैठक में निजला नौकरशाही और सिटीजन चार्टर के लोकपाल में शामिल करवा लेल प्रधानमंत्री पर दबाव देत। एकर बावजूद अगर सरकार एकरा शामिल नहीं करत तो लोकपाल में संशोधन प्रस्ताव आनत भाजपा। 2001 में 13 दिसंबर के संसद पर भेल आतंकवादी हमला के 10वीं वर्षी पर संसद भवन परिसर में एकटा समारोह आयोजित कयल गेल। एहि में शहीद भेल लोक के श्रद्धांजलि देल गेल। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार सहित अन्य नेता शहीद के श्रद्धांजलि देलनि। ज्ञात हुआ जे 10 साल पहिने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के 5टा आतंकवादी संसद पर हमला केने छल। संसद परिसर में तैनात सुरक्षा बल एहि हमला में मुंहतोड़ जवाब देत सबटा आतंकवादी के मारि देने छल। संसद पर हमला के दौरान शहीद भेल सुरक्षाकर्मी के श्रद्धांजलि देबा लेल कोनो शहीद परिजन नहीं अयलथि। शहीद के परिजन संसद पर हमला के दोषी अफजल गुरु के फांसी के सजा नहीं देबा से अफजलक फांसी में भऽ रहल देरी के कारण शहीदक परिजन सब एहि कार्यक्रम से दूर रहब उचित कहलथि अछि। गौरतलब अछि जे संसद पर हमला में 9टा सुरक्षाकर्मी शहीद भऽ गेल छलाह। झारखंड विधानसभा सभागार में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के बैसार भेल। बैसार में प्रदेश भरी के अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता उपस्थित भेला। एहि अवसर पर भाजपा नेता और प्रदेश शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम कहला जे एहि कार्यक्रमक माध्यम से गरीब अनुसूचित पिछड़ा वर्ग के संगठन से जुड़बाक प्रयास कयल गेल। हुनका सबके सरकार द्वारा चलाओल जा रहल अनुसूचित जाति के योजना जानकारी देल जा रहल अछि। अमेरिकी डॉलर के मुकाबला में रुपया नव रिकॉर्ड गिरावट पर पहुंच गेल अछि। कारोबार में डॉलर के मुकाबला रुपया 53.21 डॉलर के पार चल गेल अछि। डॉलर के मुकाबला में रुपया पहिल बेर 53 के स्तर पार केलक अछि। एकर संगहि घरेलू अर्थव्यवस्था में मंदी एवाक खतरा उत्पन्न भऽ गेल अछि। एकर अलावा यूरो जोन क्षेत्र में कर्ज संकट पर एकर व्यापक प्रभाव पड़ सकैत अछि। फटाफट समाचार में वक्त भऽ गेल एकटा छोट सन व्यावसायिक विराम के। विराम के ओहि पार समाचार जारी अछि।